Jyoti, wait, wait. Don't get into the car right now. What happened? Wait for 5 minutes. जैसे कि अभी आपने सुना था डोंट गेट इनटू द कार, इसका मतलब था कार में मत चढ़ो। हाय फ्रेंड्स, आपने बस कार, टैक्सी, ट्रेन आप ट्रेवलिंग करते ही रहते हैं और हम सेंटेंसेस यूज भी करते हैं, अरे बस में चढ़ जाओ, इस बस में नहीं चढ़ना, इस टैक्सी में जाना है, इस टाइप से, या फिर बस से नीचे उतरो, ट्रेन से नीचे उतरो। लेकिन क्या आपको कभी भी इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश पता चली है कि इसके लिए हम एग्जैक्ट वर्ड कौन सा यूज करते हैं और क्या सबके सारे व्हीकल्स के लिए हम सेम ही वर्ड यूज करते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जब भी हम ट्रेवलिंग करते हैं या किसी भी व्हीकल में बैठते हैं, स्मॉल या किसी भी बिग व्हीकल में हम बैठते हैं। तो मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स की, लाइक कार एंड टैक्सी, स्मॉल व्हीकल्स जो हमारे होते हैं। इसमें हम बात करते हैं कार में चढ़ो, गेट इनटू द कार, चढ़ने के लिए यहां पर यूज होता है गेट इनटू। अगर यही हमें उतरने के लिए यूज करना है, कार से उतरो या कार से नीचे उतरो, तो इसके लिए हम बोलेंगे गेट आउट ऑफ द कार। लेकिन यही बात अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स की ना करके पब्लिक व्हीकल्स की करते हैं, जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके लिए हम गेट इनटू और गेट आउट ऑफ यूज नहीं करते। जैसे कि हमें बात करना है ट्रेन से नीचे उतरो, गेट ऑफ द ट्रेन, इसमें हो जाता है गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ो, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन। या फिर आप का कोई फ्रेंड, उसकी ट्रेन मिस होने वाली है, अभी अभी स्टेशन पहुंचा है, ट्रेन खड़ी है, तो आप उससे क्या कहोगे, अरे जल्दी से ट्रेन में चढ़ो, तो गेट ऑन द ट्रेन फास्ट। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतरोगे और वहां आपका कोई फैमिली मेंबर आपको रिसीव करने आने वाला है रेलवे स्टेशन पर, जनरली वो आपसे क्या पूछता है कॉल करके, तुम कब उतरोगे, मतलब वो टाइम के बारे में बात कर रहा होता है, अरे कब उतरोगे ट्रेन से नीचे, उसी के अकॉर्डिंग वो आएगा घर से लेने। तो इसके लिए आप कर रहे होगे व्हेन विल यू गेट ऑफ द ट्रेन, तुम ट्रेन से कब उतरोगे नीचे, आप ऐसे बोलोगे एट 9:30 और 10:30 जो भी आपका टाइम होगा। तो इस टाइप से फोर वर्ड हो गए चढ़ने और उतरने के। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए चढ़ने के लिए हो गया गेट इनटू, जबकि पब्लिक व्हीकल्स के लिए चढ़ने के लिए हो गया गेट ऑन, प्राइवेट व्हीकल के लिए उतरने के लिए हो गया गेट आउट ऑफ, जबकि पब्लिक व्हीकल्स के लिए चढ़ने उतरने के लिए हो गया गेट ऑफ। आज से पहले शायद ही किसी ने आपको ये बात बताई होगी। एक और वर्ड है गेट डाउन, ये वर्ड हम गेट डाउन यूज करते हैं, ये भी हम नीचे उतरने के लिए यूज करते हैं व्हीकल्स में, लेकिन कब, जब छत से नीचे उतरते हैं, मतलब सपोज कोई शरारती बच्चा है, आपकी कार खड़ी है पब्लिक प्लेस पर और कोई शरारती बच्चा आ गया और कार की रूफ पर चढ़ गया, तो आप कैसे उससे कहोगे, हे मेरी कार से नीचे उतरो, इसका मतलब हे गेट डाउन फ्रॉम माय कार, इसका ऑटोमेटिक सेंस हो जाएगा गेट डाउन का, वो छत से नीचे उतरने की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? तो इसी तरह के आगे भी वीडियो मैं लाती रहूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ में यूज होने वाले। तो अगर आपको चाहिए लाइफ में अच्छा मेंटर तो सब्सक्राइब ज्योति एजुकेशनल सेंटर।